हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। अभी जो प्रोजेक्ट मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। ये मीरा रोड में रामदेव पार्क में बन रहा है। मैं पहले आपको मॉड्यूल और किस टाइप का क्लब हाउस आने वाला है, इसका पार्किंग एरिया कैसा है, क्योंकि पोडियम पार्किंग का अलग से ये स्पेस टावर बना रहे हैं, तो वो देखते हैं। पहले कुछ लेजर लाइट के जरिए मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका रामदेव पार्क रोड है, और यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ से इसकी मेन एंट्री बनी हुई है, और ये पूरा आप देख सकते हैं अलग से सेपरेट कार पार्किंग टावर इन्होंने दिया है, और इसके ऊपर ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट, कुछ किड्स प्ले एरिया और ग्रीन ग्रास का एरिया, साथ ही साथ क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल और मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है इसमें। और ये जो है तीन टावर है, तीन टावर में छः विंग की पूरी सोसाइटी है ये, और 29-29 माले का G+29, यानी कि 30-30 माले का छः बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। छः विंग्स हैं, ABCD और E, इस टाइप का इसका एलिवेशन आएगा। अभी मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे कोई दूसरा वे नहीं है, एक सिंगल रास्ता है इसमें अंदर आने के लिए। तो ये बैक साइड से इसका एलिवेशन आने वाला है। और वैसे भी छेड़ा डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। इन्होंने काफ़ी सारे क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी में काम किया है, मीरा रोड, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, ऐसा अलग अलग लोकेशन में। कहीं पे भी इनके अनसेटिस्फाइड कस्टमर ऐसे नहीं हैं जो कंप्लेन करने वाले, सब जगह इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम किया है। ये आप देख लें, इसका क्लब हाउस जो बनाया हुआ है एज इट इज़ आपको बना के देंगे। इसमें कुछ स्टेक पार्किंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है, वो मैं आगे बात करूंगा, अभी और डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल तो मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया है, आगे देखते हैं इसका 2BHK और 1BHK का फ्लैट कैसा है, वो हम आगे देखते हैं। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ ना, फिलहाल मैं 2BHK दिखा रहा हूँ। ये एक सैम्पल फ्लैट है, डेमो फ्लैट है, ताकि हर एक डेवलपर का रहता है कि एक फर्नीचर करने के बाद आपके फ्लैट में क्या स्पेस मिलता है, कितना का यूजेबल मिलता है, वो आप देख के समझ पाएँ। इसके बाद मैं आपको 1BHK दिखाऊंगा, एज इट इज़ जो डिलीवरी करेंगे वो मैं दिखाऊंगा, वो अब भी आप देख के समझ जाएं कि क्या आपको डिलीवरी मिलेगा। तो पहले इसका फर्निश्ड सैम्पल फ्लैट देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एल टाइप में इन्होंने 2BHK का जो 650 कारपेट एरिया है, एल टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग है। इस तरफ इसका डाइनिंग हॉल दिया हुआ है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया दिया हुआ है। हाइट सेम एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको TV यूनिट का प्रोविज़न आएगा, सोफ़ा का प्रोविज़न आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं एक बार विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ कैसे क्या आने वाला है। विंडो के साइड से इसमें बालकनी कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, बट हॉल इतना बड़ा है कि इसमें आप फ्रेंच विंडो करके या हाफ विंडो करके बालकनी का टाइप अप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा लेंथ है, और इधर आपको ये एल टाइप में डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप करीबन 7 से 8 चेयर का डाइनिंग बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग से एक स्टोरेज रखा है, ये अगर आप नहीं रखते हैं तो डाइनिंग टेबल का एरिया आपका बड़ा हो जाता है। और अभी मैं दूर से थोड़ा किचन कवर करता हूँ कि किचन किस टाइप का, आप देखें सामने बिल्कुल डाइनिंग के सामने ही किचन किया हुआ है, और किचन का साइज, ये इसका गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, अंदर ही इन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, टैब और इलेक्ट्रिसिटी के प्लग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो किचन का साइज भी आप देखें कितना ह्यूज और बढ़िया बनाया हुआ है। ये इसका फ्रिज का प्रोविज़न किया हुआ है, यहाँ पे फ्रिज का रखने का। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉमन वॉशरूम लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है। कॉमन वॉशरूम में भी एंड में आपको दिया हुआ है बाथ एरिया, उसके फिर बाद कमोड, एंड लास्ट में स्टार्ट में आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है। एक बार आप अंदर के साइड से देख लें, हाइट वगैरह जो सीलिंग का है वो एक बार आप देख लें। अभी मैं आपको दोनों बेडरूम दिखाता हूँ, एक तो कॉमन बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है। सीलिंग की हाइट ये पैसेज का, उसके बाद राइट हैंड साइड पे इसका 6x6 का अगर आप एक बेड डालते हैं तो ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी आप देखें, साइड टेबल,
दोनों साइड रखने का जगह दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्पेस कवर किया है। नीचे बेड डालने के बाद भी, वार्डरोब डालने के बाद भी एक 3-3 फुट का जगह आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब का भी जगह बनाया हुआ है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है सैम्पल फ्लैट में कि आप इतना फर्नीचर करने के बाद भी एक अच्छा खासा खुला खुला स्पेस, ओपन स्पेस आपको मिल जाता है। इसके बाद मास्टर बेडरूम देखते हैं कि किस टाइप का है मास्टर बेडरूम में। आपको थोड़ा बिकॉज यहाँ से जब आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, वॉल के अंदर ही आपको कवर्ड का एरिया दिया हुआ है। पहले तो आपको वॉशरूम मिलता है, यहाँ पे कैरोविट का प्लम्बिंग एसेसरीज यूज कर रहे हैं ये, और जिसकी फिनिशिंग आप देख के समझ सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इन्होंने काम किया हुआ है। ये तो खैर फ्लैट है, एक्चुअल रॉ फ्लैट भी मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको मिलने वाला है, जिस तरह का एमिनिटीज। यहाँ से आप बेडरूम का साइज देख सकते हैं, इसमें भी 6x6 का बेड डाला हुआ है और एक अच्छा खासा स्पेस आपको कवर होता है मास्टर बेडरूम में। विंडो के साइड से आप देखें तो 6x6 का बेड डालने के बाद नीचे आपको 4 फुट का स्पेस मिलता है। वार्डरोब आपको वॉल के अंदर ही फिट हो गया है। तो अभी वहाँ से मैं आपको टीवी का यूनिट दिखाऊं। अगर टीवी यूनिट देखें तो बीच में स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप टीवी यूनिट के प्लग पॉइंट्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ कोने में आप स्टडी टेबल रख सकते हैं, और ड्रेसिंग टेबल के तो मैंने आपको बात किया है जो बेड के अगल बगल में रहता है। तो ये पूरे 2 BHK का जो एरिया था वो मैंने कवर किया। अब स्टार्ट से अंदर से पूरे फ्लैट का एक व्यू देखें तो आपको पता चले कि इसकी साइज। और वैसे भी छेड़ा ग्रीन्स का नाम काफ़ी अच्छा है, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने काम किया है बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर हैं इनसे। ये तो मैंने आपको 2 BHK का दिखाया है, अभी देखते हैं इसका 1 BHK जो आपको एक्चुअल फ्लैट मिलने वाला है वो किस टाइप का रहेगा, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे वो आप देख लें। यहाँ से आपका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट होता है, और ये इसकी स्ट्रेंथ आप देखें तो हॉल जिसमें बालकनी होती है उसमें लिविंग डाइनिंग को छोटा कर दिया जाता है। इसमें ये बालकनी नहीं दे रहे हैं तो लिविंग डाइनिंग को ही बड़ा कर दिया है। तो इसमें आप थोड़ा 2 फुट के आसपास एक विंडो का डाल के और एक्स्ट्रा बालकनी बना सकते हैं, इतना बड़ा इन्होंने कवर किया है जगह। एक बार आप विंडो के साइड से देख लें कि क्या स्पेस कवर किया हुआ है पूरे का। और ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं ऐसा ही आपको डिलीवरी मिलने वाला है जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका कुछ 8 से 10 स्लैब बन चुका है जो टावर ये बेच रहे हैं। टोटल 6 विंग का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो और बाकी दो टावर का भी ओपन नहीं किया है इन्होंने, अभी जो बेच रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जल्दी ही पोजीशन मिल जाएगा जो टावर अभी सेल करना है इनको। जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम है, यहाँ आप देख सकते हैं एंड में आपको कमोड एरिया दिया हुआ है, बीच में आपको बाथ एरिया का प्रोविजन किया हुआ है। उसके बाद स्टार्ट में आपको बेसिन इस टाइप का, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने प्लानिंग चेंज किया है, कहीं कहीं पे रहता है कि बीच में कमोड डाल देते हैं। और उसके बाद जब आप आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद फिर किचन की एंट्री है, इन्होंने ओपन किचन रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप वॉल डालते हैं तो आपको कवर्ड किचन हो जाता है। कवर्ड किचन होने के बाद आपको 1 BHK के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी बड़ा किचन दिया है उन्होंने, गैस प्लेटफॉर्म सर्विस प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और एंड में आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न भी किया हुआ है। जो विंडो के साइड से एक बार सीलिंग का हाइट वगैरह पूरा दिखा दो। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस कवर किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम, देखते हैं कैसा है इसका। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट है और राइट हैंड साइड पर इसका वॉशरूम दिया हुआ है। इसमें थोड़ा प्लानिंग इन्होंने चेंज किया है, एंड में बाथ एरिया दिया है और बीच में कमोड दिया है, और कॉमन में चेंजेस था कि उसमें एंड में कमोड एरिया दिया था इन्होंने। और जस्ट वॉशरूम के बगल में आपको वार्डरोब का जगह मिला हुआ है, यहाँ पे 2 से 2.5 फुट वार्डरोब का जगह दे दिया है। तो दीवार के अंदर जब वार्डरोब सेट हो जाता है तो आप देखें बेडरूम का एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ से यूज़ करने को मिलता है। पूरा का पूरा बेडरूम आपका
फ्री हो जाता है। अगर 6x6 का बेड आप डालते हैं तो जैसा आपने 2BHK के मास्टर बेडरूम देखा था, सेम आपको जगह मिलता है यूज़ करने के लिए। एक बार आप विंडो के साइड से देख लें सामने बेडरूम का क्या स्पेस दिया हुआ है। और अभी अंदर से आप 1BHK का किस टाइप का व्यू बनता है और कैसा फिनिशिंग देंगे वो आप देख लें एक बार। तो ये मैंने दिखाया आपको छेड़ा ग्रीन्स बाय छेड़ा ग्रुप। और कुछ डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप वहाँ से हमें फ़ोन ज़रूर करें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दोस्तों ये जो मैं भी खड़ा हूँ छेड़ा ग्रीन्स के क्लब हाउस पे खड़ा हूँ और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, 10 माले का स्लैब बन चुका है वो है ये। और ये पूरा इसका लैंड है जहाँ पर 6 विंग का कॉम्प्लेक्स आने वाला है। तो ये मैं आपको लैंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुली जोर शोर में इसका वर्क चल रहा है, डे नाइट काम चल रहा है यहाँ पे। आज जो बात करने वाला हूँ जिस प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। ये छेड़ा ग्रुप डेवलपर हैं और काफ़ी पुराने डेवलपर हैं, 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है इनकी। इन्होंने बोरीवली, कंदिवली, मीरा रोड, भांडुप, थाने, कई जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनके कुछ छेड़ा जयदेव की, अशोक कॉम्प्लेक्स, छेड़ा हाइट, छेड़ा विजय नगरी, छेड़ा सुबह लक्ष्मी, ऐसा 4-5 प्रोजेक्ट मैंने बताया है रेफरेंस के लिए। आज जो बात करूंगा छेड़ा ग्रीन्स का, ये बन रहा है रामदेव पार्क मीरा रोड ईस्ट में। 3 एकड़ का लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका 55% से 60% डन हो चुका है, 10 स्लैब के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। 29-स्टोरी टावर है, 6 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ग्राउंड टू सेकंड लेवल इसका ओपन और कवर्ड स्टेक पार्किंग है, ओपन पार्किंग है। और थर्ड लेवल इसका एमिनिटीज है, एमिनिटीज के लिए इन्होंने अलग से ही एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाया है। रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट लेवल से स्टार्ट है, जिस बिल्डिंग में रेसिडेंस रहेगा उसमें। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं इसका डिटेल तो इसका महारेरा नंबर है P517000470096। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, बिल्डिंग कंप्लीशन कब आएगा, OC कब आएगा, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। रेरा में पोजीशन दिसंबर 2026, बिल्डर आपको दिसंबर 2025 में दे देंगे। CC पूरे टावर का रिसीव्ड है, क्रिक व्यू और सिटी व्यू फ्लैट्स है इसमें। ज्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, रामदेव पार्क एरिया ही ऐसा है। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, आपका जहाँ पे भी सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजली लोन हो जाएगा। साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ, इसके पहले थोड़ा एमिनिटीज जानते हैं। किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, जिम्नासियम, लैंडस्केप गार्डन, सीनियर सिटीजन एरिया, टर्फ कोर्ट, इस तरह के यहाँ पे कुछ एमिनिटीज इन्होंने दिया हुआ है जो आपको मैंने दिखाया भी। और कुछ कनेक्टिविटी आपको बता दूं, राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, LR तिवारी कॉलेज, GCC क्लब, 7-11 क्लब, मैक्सिस मॉल, ठाकुर मॉल, ये सब 5-10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। वेजिटेबल मार्केट हार्डली यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब आते हैं इसके प्राइजिंग पे और साइज पे। 1BHK का 447, 457, 447 एंड 457, दो साइज में इसके 1BHK हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन में। और दो वैरायटी की जो प्राइजिंग बता दूं आपको, 60-70 लाख के बीच में इन दोनों का प्राइज है, 60-70 लाख के बीच में। और 2BHK 637, 647 यानी 637 और 647, दो साइज में इसके 2BHK के फ्लैट्स हैं, जिसकी प्राइस 80-90 लाख के बीच में है, 80-90 लाख के बीच में। पार्किंग का प्राइस आपसे 3-6 लाख के बीच में इसकी प्राइजिंग है। फ्लैट का प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये प्राइजिंग एक टेंटेटिवली मैंने आइडिया दिया है कि क्या यहाँ पे मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST इसके अलावा आपको लगेगा अलग से। एक्चुअल प्राइस आप जानना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे आप हमें फ़ोन करें, तो मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी इसमें प्रॉपर्टी परचेस करवाने में, खरीदवाने में। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं
जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ लिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और
वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और PLC के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना, उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे, जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है, हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त
को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल पर लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जब बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पर आता है, साथ ही साथ आप जिस तरह से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह से रोज़ हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो हमारे पास जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी उनके पास आती है जो अर्जेंट सेल करना है, अभी भी मेरे पास एक दो प्रॉपर्टी है जो मार्केट प्राइस है 7-8 लाख रुपये सस्ते प्राइस में है, तो इस टाइप के जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों, नई प्रॉपर्टी के साथ फिर से मिलूंगा अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।